भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी नई टीम का किया ऐलान। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के बाद फिर से भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। नई टीम के समीकरण को पार्टी की 2014 के आम चुनावों की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्टी की नई टीम के बारे में कहा कि इसमें महिलाओं, युवाओं और पिछड़ों समेत सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भाजपा में प्रधानमंत्री पद के रूप में पेश करना पार्टी की मजबूरी है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा और मोदी के अंदरूनी खींचतान का मामला बन गया है। जेडीयू नेता शरद यादव ने भाजपा की नई टीम पर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को बधाई देते हुए कहा कि उनकी टीम के साथ मिलकर जेडीयू 2014 में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। कुंडा के डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के रिश्ते के भाई अक्षय प्रताप सिंह से की पूछताछ। अक्षय प्रताप सिंह यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। देश के 14 राज्यों के 38 शहरों में आज एनालॉग टीवी प्रसारण का आखिरी दिन। डिजिटलीकरण के दूसरे चरण में शामिल इन शहरों में आधी रात से बंद हो जाएगा बिना सेट टॉप बॉक्स के टीवी प्रसारण। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव चरम पर। उत्तर कोरिया ने कहा दक्षिण कोरिया के साथ युद्ध जैसी स्थिति। उकसाने वाली कोई भी कार्रवाई परमाणु संघर्ष में हो सकती है तब्दील। अमेरिका ने कहा उत्तर कोरिया से नए खतरे को लिया जाएगा गंभीरता से। तिब्बत की एक तांबा खदान में भूस्खलन के बाद फंसे 83 खनिकों के बचने की तमाम आशाएं हो रही हैं कमजोर। कल शाम निकाला गया पहला शव। अफ्रीकी देश केन्या में राष्ट्रपति चुनाव को चुनौती देने वाले उम्मीदवार रेला अडिंगा की अपील को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद एक बार फिर से भड़के दंगे। देश की शीर्ष अदालत ने ओडिंगा की याचिका को खारिज करते हुए उहुरु केन्याता को राष्ट्रपति के रूप में दी मान्यता। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की मुश्किलें और बढ़ी। पंजाब पुलिस का दावा ड्रग डीलर अनूप सिंह से विजेंद्र थे लगातार संपर्क में। कॉल डिटेल से हुआ खुलासा। विश्व की नंबर एक सेरेना विलियम्स ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 6ठी बार जीता। फाइनल में मारिया शारापोवा को दी 4-6, 6-3, 6-0 से शिकस्त। आज ईस्टर है। पूरी दुनिया में यह पर्व धार्मिक मान्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह सूली पर लटकाए जाने के 3rd दिन दोबारा जीवित हुए थे। उनके दोबारा जीवित होने की इस घटना को ईसाई धर्म के लोग ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार के रूप में मनाते हैं। फिल्मी दुनिया में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर रही मीना कुमारी की आज पुण्यतिथि। उन्होंने अपने अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।